हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एज वी ऑल नो दैट फेशियल नर्व इज द सेवेंथ क्रेनियल नर्व फ्रॉम द टोटल ऑफ 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेशियल नर्व। हाँ, हम फेशियल नर्व की बात करने वाले हैं जो कि हमारे फेस के सारे मसल्स को सप्लाई करती है। मोटर सप्लाई उसका फेस के सारे मसल्स के लिए होता है, और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट नर्व्स जो होती हैं उनमें से एक है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेकंड बिजीएस्ट क्रेनियल नर्व है ह्यूमन बॉडी की। फर्स्ट कौन सी है वो आप पता करना। और ये जो नर्व है ये सेकंड ब्रैकियल आर्क से आती है, और ये एक मिक्स नर्व होती है। मिक्स नर्व तो आप सबको पता होगा कि इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स दोनों होते हैं। अभी जो पूरा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होती है फेशियल नर्व, इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके अंदर न्यूक्लियाई कौन से हैं जिससे ये निकलती है, इसका रिलेशंस, इसकी ब्रांचेस, कैंग्लिया और क्लिनिकल एनाटॉमी सबसे इम्पोर्टेंट। इसके बाद अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली ये जो सब मैंने आपको बताया कि सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, सेकेंड बिजिएस्ट क्रेनियल नर्व है, सेकेंड ब्रैकियल आर्क से निकलती है, और एक मिक्स नर्व होती है जिसमें कि पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों होते हैं, दोनों तरीके के फाइबर्स होते हैं। अब इसके बाद इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो भैया देयर आर टोटल सेवन फंक्शनल कंपोनेंट्स फ्रॉम विच फोर आर जनरल एंड थ्री आर स्पेशल सेंसेशंस। ठीक है, चार जनरल होते हैं, तीन स्पेशल होते हैं। अब जनरल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जनरल कंपोनेंट एक होता है जनरल सोमेटिक एफरेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टच, टेम्परेचर, पेन, जो कि नॉन विसरल स्ट्रक्चर्स के लिए रहता है। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है मोटर, जो कि जनरल सोमेटिक एफरेंट बोलते हैं। ये मोटर होता है हमारे सारे स्केलेटल मसल्स के लिए फेस के। उसके बाद जनरल विसरल एफरेंट, ये विसरल मसल्स के लिए होता है जो कि टच, टेम्परेचर और पेन फ्रॉम विसरल ऑर्गन्स बताती है। और उसके बाद जनरल विसरल एफरेंट जो कि मोटर होता है हमारे विसरा से, स्मूथ मसल से, ग्लैंड से। इसका स्पेशल कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें सबसे पहले होता है स्पेशल सोमेटिक एफरेंट, जो कि विजन, हियरिंग, बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्यों नहीं करता है इसके बारे में आप सर्च करना, आपको मालूम चल जाएगा क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए कोई और नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद स्पेशल विसरल एफरेंट होता है जो कि टेस्ट और ऑल्फैक्शन के लिए काम होता है, और स्पेशल विसरल एफरेंट होता है जिसको हम ब्रैकियल एफरेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रैकियल आर्क से जो मसल्स डिराइव होती हैं उनके लिए ये मोटर सप्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ फेशियल नर्व एक्चुअली क्या है कि देर आर टोटल सेवन टाइप्स ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, प्रेजेंट इन क्रेनियल नर्व सॉरी, जो कि सात क्रेनियल नर्व्स के होते हैं ना, उसमें से पांच फेशियल नर्व में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी जो हमने इसके बारे में बात करी तो इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट, जो कि स्पेशल विसरल एफरेंट या फिर ब्रैकियल एफरेंट होता है। ये एक्चुअली क्या है ना कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फेशियल एक्सप्रेशन, एलिवेशन हायर्ड बोन के, और ये सप्लाई करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को, स्टाइलोहॉइड को, स्टेपिडियस को। स्टेपिडियस पता है ना कहाँ होता है? कहाँ? ईयर में। अभी इसके बाद होता है इसका जो कंपोनेंट जो कि जनरल विसरल एफरेंट है, सॉरी, ये जो होता है ना, दीस कैरी इम्पल्सिस, एफरेंट इम्पल्सिस फ्रॉम लैक्रिमल ग्लैंड, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी ग्लैंड से ये करता है। और जो ग्लैंड हमारे नोज, पैलेट और फेरिंग्स में प्रेजेंट है उनसे भी ये एफरेंट इम्पल्सिस कैरी करता है।
अभी अगर हम बात करें स्पेशल विसरल एफरेंट की, तो सॉरी फर्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक, जो स्पेशल विसरल एफरेंट होता है वो ये हमारा टेस्ट सेंसेशन देता है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से और पैलेट से। 1/3 से कौन लेता है ये भी आप पता करना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट नाम है। तो एक्चुअली दीज कैरी टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द पैलेट एंड फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, पर वैलिड पेपिलेशन नहीं लेता है, ठीक है। उसके बाद जनरल सोमेटिक एफरेंट। नाउ जनरल सोमेटिक एफरेंट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा ईयर है उसकी जो स्किन है उस ये फाइबर्स जो होते हैं कि हमारे स्किन के ईयर ईयर की स्किन को इनर्वेट करते हैं। डायरेक्ट कोई ब्रांच होती नहीं है इसके लिए, पर कुछ फाइबर्स होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं वेगस नर्व के साथ, और हमारी वेगस नर्व के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं और ये जनरल सोमेटिक एक्शन देते हैं एफरेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस कंपोनेंट का है वो ये है कि जो प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस होती हैं मसल्स की फेस के थ्रू, वो ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच से रीच होती हैं मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस तक। फिर से बता रहा हूँ, प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस फ्रॉम मसल्स ऑफ फेस ट्रेवल ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व टू रीच द मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। ओके नाउ नेक्स्ट, इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि फेशियल नर्व जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसका पूरा का पूरा रास्ता कैसा है। तो इसकी क्या है कि आप देख सकते हो कि कैसे ब्रेकियल मोटर, विसुलर मोटर और स्पेशल सेंसरी और जनरल सेंसरी कंपोनेंट्स है कि ये अलग 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 कलर से मार्क करें। अब क्या होता है कि जो फेशियल नर्व है ना वो 4 न्यूक्लियाई से कनेक्टेड है। एक्चुअली ये चारों न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं लोअर पॉन्स में। से पहला होता है मोटर न्यूक्लियस और ब्रेकियो मोटर, ये डीप पॉन्स में होता है। सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो पैरासिम्पेटिक होता है, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस जो कि पैरासिम्पेटिक होता है, और न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो कि गस्टेटरी है और रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द ग्लैंड। सबसे इंपॉर्टेंट के बाद अलग अलग न्यूक्लियाइज में देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि फाइबर्स डिफरेंट न्यूक्लियाइज जो कि सिचुएटेड हैं लोअर पॉन्स में वहाँ से कैसे कैसे निकल रहे हैं। ये लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस है, ये मोटर न्यूक्लियस है, ये फेशियल नर्व निकली है यहाँ से, ये न्यूक्लियस होता है सिक्स नर्व के लिए, उसके पीछे से घूम के जाती है नर्व। उसके बाद ये रहा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। इसमें भी देख सकते हो कि कैसे एक इंटरनल जेन्यू फॉर्म होता है जो कि सिक्स्थ क्रीनियल नर्व के जो न्यूक्लियस है उसके कवर करते हुए जो मोटर रूट है फेशियल नर्व की वो आती है बाहर। अब रही बात सेंट्रल कनेक्शंस की, तो सेंट्रल कनेक्शंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्लिनिकल इससे ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले जो पार्ट हमारा मोटर न्यूक्लियस का सप्लाई करता है अपर पार्ट ऑफ फेस को, वो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं उसके, ठीक है। पर जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस को सप्लाई करता है वो अपोजिट साइड में ही प्रेजेंट होते हैं। तो लीजन अगर लोअर और अपर पार्ट में होगा तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ये देखो ये फिगर है जो डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे कनेक्शन होता है। ये लोअर पार्ट का है जो कि इस साइड का इस साइड पर है, पर अपर पार्ट का इधर भी है और इधर भी है। इसके बारे में हम आगे क्लिनिकल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका कोर्स और इसका रिलेशन। फेशियल नर्व इज अटैच टू द ब्रेन स्टेम बाय टू रूट्स, ठीक है। दो रूट्स होते हैं इसकी, एक होती है मोटर रूट और एक सेंसरी रूट। सेंसरी रूट को हम बोलते हैं नर्वस इंटरमीडियस। अब ये जो दो रूट्स
ये जो दो रूट्स होती हैं फेशियल नर्व की, ये अटैच्ड होती है लेटरल पार्ट ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ पॉन्स, जो कि एकदम मीडियल होता है हमारे एर्थ क्रेनियल नर्व के। तो ये जो दोनों रूट्स हैं ना, इधर देख, ये है एर्थ नर्व, ये रही, इसके मीडियल साइड पर है, और ये देखो इसकी दोनों रूट्स इधर से निकल रहे हैं। देखो क्या होता है कि सबसे पहले जो ये नर्व है, ये इसकी दोनों रूट्स लेटरली रन करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एथ क्रेनियल नर्व के साथ रन करते हुए ये इंटरनल अकॉस्टिक मेट्रस में आ जाती है। अब इनके कोर्स को आप समझना है, जब ये इंटरनल अकॉस्टिक मेट्रस में आती है तो आप देख सकते हो कि ये मोटर रूट एक ग्रूव में लाई करती है एर्थ क्रेनियल नर्व, और एर्थ क्रेनियल नर्व के साथ इनके साथ जो सेंसरी नर्व होती है वो इंटरवीन करती है। और एक और चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट इधर समझ में आ रही है वो ये है कि आप देख सकते हो इनके साथ लेबरिंथीन वेसल्स हैं, और अगर देखें आगे तो सबसे इम्पोर्टेंट कि इनके बॉटम पे जो दो रूट्स हैं सेंसरी और मोटर, वो दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल ट्रंक बना रही है जो कि लाए करता है पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये जो यूज हो रही है ना, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में लाई करेगा, ऑब्वियसली इंटरनल अकॉस्टिक मेट्रस उधर ही लाई करेगा। अब उसके बाद आगे अगर हम देखें तो इसके रिलेशन में, कि जब ये कैनाल के अंदर होती है तो इसका जो कोर्स है वो आगे जाता है, तो वो डिवाइड हो जाता है, वो डिवाइड होता है तीन पार्ट में, और दो बेंड्स होते हैं, दो बार बेंड होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो डायरेक्टेड होता है लैटरली एंड इट इज अबव द वेस्टिब्यूल, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट होता है वो रन करता है बैकवर्ड, देख लो बैकवर्ड, सेकेंड पार्ट रन बैकवर्ड इन रिलेशन टू द मीडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर अबव द प्रोमोन्टरी, प्रोमोन्टरी के ऊपर होता है। और जो थर्ड पार्ट है वो डायरेक्टेड होता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स बिहाइंड द प्रोमोन्टरी, या प्रोमोन्टरी के पीछे से थर्ड पार्ट निकलता है जो डायरेक्टेड होता है, और वो अब ऊपर से निकलता है सेकेंड पार्ट। अब उसके बाद फाइनली स्कल को लीव कर देती है हमारी नर्व, किसके थ्रू, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, एंड यहाँ से उसने स्कल से बाहर आ गया। अब जब इस नर्व ने छोड़ दिया हमारे स्कल को पीछे, तो फिर क्या हुआ, तो फाइनली व्हेन द नर्व लीव्स द स्कल, और वी कैन से क्रेनियम्स थ्रू स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, तो क्या होता है कि ये क्रॉस होती है लैटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ स्टेरॉइड प्रोसेस, ये स्टेरॉइड प्रोसेस की लैटरल साइड से क्रॉस होती है, फिर ये पोस्टीरियो मीडियल सरफेस में एंटर करती है पैरोटिड ग्लैंड, अच्छा पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई नहीं करती है, और उससे से निकलती है उसके पोस्टीरियो मीडियल सरफेस से। उसके बाद ये फॉरवर्ड रन करती है, रेट्रोमेंडिबुलर वेन को क्रॉस करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को क्रॉस करती है, उसके बाद ये नेक ऑफ द मैंडिबल पर पांच टर्मिनल ब्रांचेस देती है, नेक ऑफ द मैंडिबल पर पांच टर्मिनल ब्रांचेस देती है। ये पांच ब्रांचेस जो होती हैं ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड पर देती है, ठीक है। अब इसकी क्या ब्रांचेस हैं वो, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट आर द ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, यू कैन सी दैट विद इन द फेशियल कैनाल, जब भी फेशियल कैनाल के अंदर होती है तीन ब्रांचेस देती है, जो कि होती है ग्रेटल पेट्रोफियल नर्व, नर्व टू स्टेपिडस एंड कॉर्डा टिम्बनी, और जब वो एग्जिट हो जाती है स्टैलोमास्टॉइड फोरामेन से तब भी वो तीन ब्रांचेस देती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, डाइगेस्ट्रिक एंड स्टाइलोहॉइड। इसके बाद इसकी पांच टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, ये टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल, एंड देयर आर सम कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस विद एडजेसेंट क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। अब विद इन द फेशियल कैनाल, नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर दैट द कोर्स ऑफ द नर्व इन फेशियल कैनाल हेयर, इट गिव्स थ्री ब्रांचेस, ग्रेटर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व, नर्व टू स्टेपिडस एंड कॉर्डा टिम्पेनी, ये तीनों के लिए देती है। स्टेपिडस मसल मालूम है ना कहाँ होती है, कान में,
स्टेप्स के साथ, ऑब्वियसली बात है। अब इसके बाद अगर आगे देखते हैं तो इस फिगर में यू कैन सी दैट द नर्व सप्लाई टू लैक्रिमल ग्लैंड, यहाँ पे ये लैक्रिमल ग्लैंड कुछ सप्लाई करती है। और एक चीज देख, ये जो ग्रेटर पेट्रोसल नर्व है ना, ये ज्वाइन होती है डीप पेट्रोसल नर्व से, जो कि आ रही होती है हमारे प्लेक्सिस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, उसके पास एक प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है उसके आसपास, उससे आ रही होती है ये ग्रेटर पेट्रोसल नर्व। और उसके बाद जब वो वहां से आती है ना, तो फिर वो फॉर्म करती है नर्व ऑफ टेरेकोइड कैनाल और विविडियन। ये जो नर्व है, इसका दूसरा नाम भी होता है डीएन नर्व। ये भी जो है ये बनती है। ये बनने के बाद जब ये टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन के पास पहुंचती है ना, ये गैंग्लियन दिख रहा होगा, तब क्या होता है समझना, तब क्या होता है ये ना टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन के पास पहुंच गई। उसके बाद जो जो बचा हुआ पार्ट या रिले ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व फाइबर्स होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के, वो ज्वाइन करते हैं जाइगोमैटिक नर्व को। आगे देखो, आगे बताता हूँ, आगे वाली स्लाइड में रुको, इधर नहीं। ये देखो ये क्या हुआ कि रिले ऑफ ग्रेटर पेट्रोसल नर्व फाइबर्स एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड ज्वाइंस जाइगोमैटिक नर्व एंड दीज पास थ्रू कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस एंड देन सप्लाई टू लैक्रिमल ग्लैंड। ये देख रहे हो, ऐसे आया, इधर से आया, यहाँ जाके इसके अंदर में जाके इधर सप्लाई दिया। अब इसके बाद क्या होता है, सो नर्व टू स्टेपिडियस। नर्व टू स्टेपिडियस जो होती है ना, वो आती है अपोजिट टू द पिरामिड ऑफ मिडिल ईयर एंड सप्लाई द स्टेपिडियस मसल। एक्चुअली नर्व टू स्टेपिडियस अराइजेज अपोजिट द पिरामिड ऑफ मिडिल ईयर एंड सप्लाई टू द स्टेपिडियस मसल। ये मसल जो होती है ना, दिस मसल डैम्पन्स द एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ स्टेप्स कॉज्ड बाय द हाई पिच्ड साउंड। मालूम है ना, स्टेप मसल स्टेपिस जो बोन होती है ना, वो वाइब्रेट करती है, तो हाई पिच साउंड के टाइम पे वो ज्यादा वाइब्रेट करती है, तो उसको रोकने का काम होता है इस मसल का। अगर इस मसल की पैरालिसिस हो जाए तो छोटा छोटा हल्का हल्का साउंड भी लोगों को बहुत तेज लगता है, तो उसको हम हाइपरकिसिस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच होती है इसकी कॉर्डा टिम्पैनी वाली। तो कॉर्डा टिम्पैनी वाली जो ब्रांच होती है, अच्छा ये हाइपरकिसिस, ये देखो इधर, इसको हाइपरकिसिस बोलते हैं, ये डैम करने का काम होता है इसका। अब कॉर्डा टिम्पैनी, सो कॉर्डा टिम्पैनी अराइजेज इन द वर्टिकल पार्ट ऑफ द फेशियल कैनाल अबाउट 6 मिलीमीटर अबव द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन एंड लीव द मिडल ईयर बाय पासिंग थ्रू पेट्रोटिम्पैनिक फिशर एंड देन एंटर्स द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ये अराइज होती है वर्टिकल पार्ट से फेशियल कैनाल के और 6 mm ऊपर होती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन के और लीव कर देती है मिडल ईयर को। ये एक पेट्रोटिम्पैनिक फिशर प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू लीव कर देती है उससे पास होते हुए और फिर एंटर कर जाती है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जब लीव कर जाती है तो ज्वाइन करती है लिंगुअल नर्व को, ठीक है। और जैसे ये लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करती है साथ में, तो फिर ये सप्लाई करती है 2 ग्लैंड्स को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एक सब मैंडिबुलर और एक सब लिंगुअल। इन 2 ग्लैंड्स को सप्लाई करती है और यही रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्ट सेंसेशन एंटीरियर 2/3 के फ्रंट टंग। उसके बाद इसकी जो ब्रांच होती है वो होती है, जैसे ये स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से निकलेगी तो फिर से इसने 3 ब्रांचेस दे दी, एक पोस्टीरियर ऑरिकुलर जो कि ऑरिकुलरिस मसल को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर ऑसिपिटलिस को, और इंट्रेंसिक मसल्स होती हैं ऑरिकल के पास, ऑरिकल के पीछे, उसको सप्लाई करती है। उसके बाद डाइगेस्टिक ब्रांच पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक को सप्लाई करती है और स्टाइलोहॉइड हमारे पता ही है क्या काम होता है, एलिवेट करने का हाइड बोन। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट अगर देखें, जब वो पैरोटिड कैनाल में होती है
ये हमारी टर्मिनल ब्रांचेस देती है। ये जो टर्मिनल ब्रांचेस देती है, ये पांच टर्मिनल ब्रांचेस होती है। एक होता है टेम्पोरल, जाइगोमैटिक, बकल, मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल। ये रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल एक्सप्रेशन की। अब इसके बाद इधर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, अगर लीजन है इधर तो ये निकल कर आ रहा है। इधर अगर लीजन हो रहा है ना हो गया तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से यहाँ लीजन हो गया ना, इतने ऊपर पार्ट में इंटरनल अकॉस्टिक मीटर्स के पहले लीजन हो रहा है तो सब चीज़ें जाएंगी ना, लैक्राइमेशन का लॉस, स्टेपिडल रिफ्लेक्स, हाइपरकिसिस हो जाएगा, टेस्ट चले जाएगा, लैक ऑफ सलाइवेशन, फेशियल पाल्सी हो जाएगी। पर अगर ये जेनियो के पास इसको लीजन होता है तो सारे लॉस होंगे पर लैक्राइमेशन नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रेटर पेट्रोसल नर्व निकल चुकी है। और अगर बिलो द जेनियो होता है लीजन तो फिर सारे लॉस होंगे पर लैक्राइमेशन और स्टेपुलर रिफ्लेक्स मतलब हाइपरएक्टिसिस नहीं होगा, आपको आवाज तेज नहीं आएगी, धीरे वाली धीरे ही आएगी। और अगर उसके भी नीचे स्टैलोमास्टॉइड फोरामिन से आने के बाद अगर बाहर होता है तो सिर्फ फेशियल पैल्स। अब क्या होता है कि इसकी अप्लाइड नॉट, तो इसकी अपेरेंट टॉन्ट में क्या है, सबसे पहले अगर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन होता है तो फेशियल पैल्सी होती है जो कि इप्सिलेटरल, सेम साइड ऑफ फेस इज पैरालाइज। इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड साइड मोशनलेस हो जाती है, लॉस ऑफ रिंकल्स ऑन फोरहेड, आई कैन नॉट बी क्लोज, इन स्माइलिंग द माउथ इज ड्रॉन टू नॉर्मल साइड एंड ड्यूरिंग मेस्टिकेशन फूड अक्यूमुलेट्स इन द वेस्टिबल, सॉरी। और सुपर न्यूक्लियर लीजन्स ऑफ फेशियल नर्व, अगर सुपर न्यूक्लियर लीजन हो रहा है तो अपोजिट साइड पढ़ा था हमने, सेंट्रल कनेक्शन आगे आएगा, देखना आगे। लोअर पार्ट ऑफ अपोजिट फेस इज पैरालाइज्ड, अपर पार्ट इज एस्केप ड्यू टू बायलैटरल रिप्लेसमेंट ऑफ अपर पार्ट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ऑब्वियसली बात है, अपर पार्ट में दोनों साइड होता है, एक साइड का खराब होगा तो दूसरे साइड से कनेक्शन तो है ना, तो इसलिए वो बच जाता है। पर एक साइड हुआ तो दिक्कत है लोअर में, ये होती है बेल्स पाल्सी। देख रहे हो, शूटिंग आउट ऑफ फोरहेड, आईब्रो ड्रॉप, ड्रूपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ। अब इसके बाद अगर अगर हम देखते हैं तो ये सेंट्रल कनेक्शन की बात करें तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीशन होता है तो वो कॉज करेगा पैरालिसिस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल लोअर फेशियल मस्कुलेचर। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड को, क्यों? क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो हो रहा है वो ऊपर हो रहा है और उसके ना लोअर जो पोर्शन है हमारा लोअर फेस वो अपोजिट साइड में कनेक्टेड होता है। ये जो लोअर पार्ट है ना ये इधर कनेक्टेड है, इधर इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इस साइड पर कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इसी साइड कनेक्शन है, तो अपोजिट साइड में, इसलिए कॉन्ट्रालैटरल लोअर पार्ट ऑफ द फेस विल बी अफेक्टेड एंड फेशियल मस्कुलेचर पूरा अफेक्ट हो जाएगा और आदमी स्माइल नहीं कर पाएगा अफेक्टेड साइड में, पर आईब्रो रेज हो जाएगी उस साइड की, पर स्माइल करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होता है मतलब यहाँ यहाँ लीजन होता है, रुको हटाने दो, अगर यहाँ लीजन होता है तो क्या होगा, इधर लीजन होता है ना तो इप्सिलेटरल पैरालिसिस होगी अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट की, और आईब्रोज स्माइल स्माइल कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीजन हो गया भैया, यहाँ हो गया मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब वो इधर से सप्लाई दे या इधर से सप्लाई दे कोई मतलब नहीं है, कैंसिल तो हुई क्या, ये इधर की पैरालिसिस है अपर पार्ट की भी लोअर पार्ट की। अब इसकी जो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस हैं वो बेसिकली कुछ खास है नहीं, फेशियल नर्व ब्रांच एक्सचेंज फाइबर विद सेंसरी क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व फॉर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। नाउ गैंग्लिया, व्हाट आर द गैंग्लियास? एक्चुअली तीन तरीके के गैंग्लियन होते हैं, एक जेनिकुलेट गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन और टेरिकोपैरेटल गैंग्लियन, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ये सेंसरी गैंग्लियन होता है और ये टेस्ट फाइबर्स होते हैं इसमें, ये पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन होता है और ये सिक्रेटो मोटर फाइबर टू सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, और टेरिकोपैरेटाइन गैंग्लियन होता है जो कि पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन और सिक्रेटो मोटर फाइबर टू लैक्राइम होता है।
थैंक यू, दैट्स ऑल. नेक्स्ट टाइम और बेटर ट्राई करूंगा मैं, पर दिस वाज समथिंग अबाउट फेशियल नर्व. ये पीपीटी मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो मैंने सोचा इसी को एक्सप्लेन कर दूं और एक वीडियो फॉर्म कर दूं. अगर अच्छा लगता है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.